हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। ये बाथरूम का वॉल टाइल है, साथ में ग्रेनाइट का फ्रेम भी बनाया है। बाथरूम का वॉल टाइल लगाने से पहले ग्रेनाइट का फ्रेम बनाया है। पहले नीचे 3 इंच का पट्टी, 3 इंच वाई 7 फीट का, इसके बाद में 5 इंच वाई 7 फीट का पट्टी। और ये वॉल टाइल है, बहुत ही सुंदर। और नीचे ये 2x2 की फ्लोरिंग है, ब्राउन कलर है। और फ्लोरिंग टाइल है वो हमेशा बाथरूम में थोड़ा रफ लगाना चाहिए, ज़्यादा शाइनिंग वाला सही नहीं रहता है। और ये कमोड के लिए पॉइंट, और ये फ्लश के लिए पॉइंट। सामने वो विंडो है ग्रेनाइट की बनाई हुई। ग्रेनाइट 1 फुट चौड़ा है, 2 फुट लंबा है। और ये ब्राउन कलर का टाइल है। और ये वॉल टाइल है वो भी नेचुरल टाइप में है, पत्थर के टाइप में, रफ टाइप में है। ये हाइलाइटर और ये शावर का पॉइंट है, इसमें नल भी लगेगा। इसमें गर्म पानी, ठंडा पानी दोनों प्रकार का पानी आता है। ये कोना हमने ये कोने में टुकड़ा लगाया है, टाइल का पीस जो है हमने कोने में लगाया है। और ये लाइट का बोल्ड है, फ्रेम का धार पॉलिश किया है। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारा वीडियो 2 दिन से 1 दिन से आता रहता है। अगर हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है और आपके समझ में आता है जो भी बात है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा वीडियो चढ़ता ही रहेगा। ये ग्रेनाइट का फ्रेम है जिसको हमने धार पॉलिश किया है। पहले नीचे 3 इंच का पट्टी लगाया है 7 फीट, और उसके बाद में हमने 5 इंच और 7 फीट का पट्टी लगाया है। ये हाइलाइटर, एक टाइल का हाइलाइटर लगाया है। नीचे 3 टाइल लाइट कलर है ब्राउन, उसके बाद में एक टाइल है वो हाइलाइटर है, और उसके बाद में ऊपर फिर लाइट टाइल है ब्राउन, और एकदम पत्थर के जैसा है, रफ टाइल है। ये देखिए एकदम रफ टाइल है पूरा, एक साथ देखने में बाथरूम में बहुत सुंदर दिखता है। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना, हमारे नए नए वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय।